इस वक्त पटना में मैं ईडी कार्यालय परिसर में हूं। जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ को कल गिरफ्तार ईडी की टीम ने किया था। आरा से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद ईडी की टीम रात में उनको यहां लेके पहुंची। रात भर राधा चरण सेठ इसी ईडी कार्यालय में रहे। आज उनको ईडी की टीम जो है एमपी एमएलए कोर्ट में जो है वो पेश करेगी। राधा चरण सेठ पर आरोप है कि इन्होंने बालू घाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेरी की और टैक्स चोरी का भी आरोप इन पे है। आरोप लग रहा है कि इन्होंने अवैध बालू कारोबार से अरबों की संपत्ति जो है वो अर्जित की है। इसी साल फरवरी महीने में इनकम टैक्स की टीम ने भी इनके यहाँ छापेमारी की थी, विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। जून महीने में ईडी ने भी इनके यहाँ छापेमारी की थी और उसके बाद इनको और इनके बेटे कन्हैया को ईडी की टीम ने इसी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। घंटों दोनों से पूछताछ हुई थी और उसके बाद कल फिर ईडी की टीम जो है इनके आरा स्थित फार्म हाउस पे पहुंची थी छापेमारी के लिए। कल भी विभिन्न ठिकानों पे छापेमारी हुई, उसके बाद इनको दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया था। राधा चरण सेठ जो है 2015 में जो है राजद से एमएलसी बने थे, 2022 में वो जदयू से एमएलसी बने। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है इस पर महागठबंधन का कहना है कि केंद्र सरकार जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, हम लोग एकजुट हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन बन गया है, इसलिए जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी कराई जा रही है, इस तरह का आरोप महागठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन राधा चरण सेठ अभी खामोश हैं, कल भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, उनके परिवार की तरफ से भी जो है कोई बयान अब तक नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि बिहार के विभिन्न जिलों एवं जो दूसरे राज्य हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हरिद्वार समेत कई जगह पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आज से 3 दशक पहले आरा रेलवे स्टेशन पर इनकी जलेबी की दुकान हुआ करती थी, उसके बाद ये जमीन का कारोबार करने लगे, फिर ये बालू के कारोबार में इन्होंने कदम रखा, वहाँ इन्होंने खूब संपत्ति अर्जित की, फिर कई होटल और रिजॉर्ट खोले, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे आज उनको कोर्ट में जो है वो ईडी की टीम पेश करने वाली है। अब देखना है कि आगे इस मामले में क्या होता है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।